डिस्कस करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस जो हमारा है, इसके अंदर है सिनारियो मैनेजर। सिनारियो मैनेजर ऑप्शन नाम से भी, जिससे पहले हम लोग गोल सी को डिस्कस किया था लेटर टेबल को, वैसे ही सिनारियो मैनेजर है। सिनारियो जो वर्ड है ये हमारा कई जगह पर प्रैक्टिकल यूज होता है। मॉडल नंबर अगर हम लोग जाएंगे थ्री में, टैली वगैरह में भी इसको पढ़ेंगे। बजट सिनारियो है ना, एमबीए में बाजाबता इसका एक पॉइंट है, पेपर पढ़ाया जाता है। सिनारियो में होता क्या है, फॉरकास्ट करने का है। जैसे आगे फॉरकास्ट शीट यहाँ पे ऑप्शन भी है, लेकिन इसका भी एक ऐसा ही है कि आप कोई डेटा के वैल्यू को चेंज करके उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा इसको बताएगा। ठीक है, जैसे सपोज कर ले कि ये हमारा नेट सैलरी यहाँ पे हमें शो कर रहा है, नेट सैलरी शो कर रहा है। अब अगर कहा गया कि नहीं ये तो हमारा एक्चुअल डेटा है, जनवरी का एक्चुअल डेटा है, जनवरी 2021 का नेट सैलरी का एक्चुअल डेटा है। लेकिन अब यहाँ पे कहा गया कि अगर वर्किंग डेज हमारा 26 दिन की जगह पे अगर हम लोग वर्किंग डेज 23 दिन पे कैलकुलेट करें, हमारा वर्किंग डेज कितना हो 23 दिन, अगर हमारा वर्किंग डेज 23 हो जाए तो फिर इसका नेट सैलरी क्या होगा। या फिर अगर हम लोगों को है कि इसके बेसिक सैलरी में, सबके बेसिक सैलरी में 5-500 का इंक्रीजमेंट करना है, क्या करना है, सैलरी 5-500 का इंक्रीजमेंट करना है, हमें एक काल्पनिक वैल्यू हमें चाहना है, फॉरकास्ट करना है, हमको एक ऐसा रिजल्ट चाहिए जिसमें हमें यह बताए कि हम जो वैल्यू डाल के कुछ हम उसका आउटपुट देखना चाहते हैं। तो अगर सबके बेसिक सैलरी में 500 का इंक्रीजमेंट कर दे तो हमारा सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या फिर सबके सैलरी में कटौती कर दो भाई, 1,000 रुपए का सबके सैलरी में कटौती करो, या बेसिक सबका 500 रुपए घटाना है, सबके सैलरी में अगर हम लोग का 500 या 200 का कटौती करेंगे, तो अगर सैलरी में कटौती करते हैं तो फिर नेट सैलरी पर क्या असर होगा। ठीक है, डीए अगर हम लोग इसका बढ़ाते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, एक्चुअल हमारा रहेगा। और कंपेयर करके हम लोगों का सिनारियो मैनेजर एक नया शीट ला देगा, सिनारियो मैनेजर एक नया शीट लाएगा जिस शीट में एक्चुअल के साथ साथ जो हमने फॉरकास्ट करने के लिए वैल्यू डाला है उस वैल्यू के हिसाब से रिजल्ट देगा। ओके, देखते हैं कैसे। व्हाट इफ एनालिसिस में गए, सिनारियो मैनेजर में गए। सिनारियो मैनेजर का ये हमारा, ठीक है, डायलॉग बॉक्स खुल गया, ऐड करते हैं सिनारियो। सिनारियो का नाम हम लोग दो सिनारियो भी ले लिया, एक सिनारियो क्या हमने नाम दिया था कि हम लोग चलो इसका बेसिक सैलरी क्या करें 500 रुपया इंक्रीज कर देते हैं सब में, या पोस्ट बाय पोस्ट इंक्रीज कर देते हैं, चलो 500 ही सबको इंक्रीज करते हैं। तो यहां पे कर दिया हम लोगों ने, इंक्रीज बाय 500 एक नाम दे दिया सिनेरियो को। ओके, तो ये इंक्रीज का चेंजिंग सेल कौन सा होगा, किसमें चेंजिंग होगा, बेसिक सैलरी, एक का दो का चार का सबका करना है। ठीक है, ओके करेंगे। अब क्या चेंजिंग हुआ है, यहां चेंजिंग डाल दीजिए आप, क्या कीजिए, तो 8,507 रुपया है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 9,507, चेंजिंग इंक्रीज करना है, ये मैनुअल डालना होगा क्योंकि सबको नहीं पता है, फॉरकास्ट आपको पता है कि क्या करना चाह रहे हैं, तो आपको जो पता है वो आप डालिए, इसका कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, 8,501 ये हो जाएगा 8,509 जितना डेटा आपके पास है सारे डेटा में आप अपने चेंजेस को क्या करें, एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, 8,510 हो गया। ये एक सिनेरियो है, अगर और सिनेरियो ऐड करना चाहते हैं, और सिनेरियो ऐड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, ऐड करेंगे। या मान लो कि आपका भी ख्याल आया कि नहीं ऐड नहीं कर पाए, आपने ओके कर दिया, एक सिनेरियो ऐड हो गया, कौन सा, इंक्रीज बाय 500। अगर डिक्रीज कर रहा है मान लो 500 से, एक सिनेरियो और ऐड करते हैं, डिक्रीज का ऐड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐड ऑप्शन है अपने पास यहां पे, ऐड पुराना जो आपने ऐड किया है 500 के बाद में ख्याल आया कि नहीं सर 300 ही करके दिखाइए, तो आप एडिट भी कर सकते हो, नहीं चाहिए वो सिनेरियो तो डिलीट भी कर सकते हो, चलो हम एक और ऐड कर देते हैं, ऐड गए
सिनारियो नेम क्या कर दे, चलो 1000 कैप कर देते हैं, डिक्रीज बाय 1000 कर देते हैं। चलिए भाई चेंजिंग सेल क्या है, मेरी तरी है, आप दूसरा भी ले सकते हो आप। ओके डेटा आ गया, ये कितना हो जाएगा हमारा 7,507। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सब में उसी रेशियो में घट जाएगा हमारा 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007। ये क्यों इतना मेहनत क्यों करना पड़ रहा है हम लोगों को, इसलिए कि ये वैल्यू हम लोगों को मैनुअली क्या करना होगा, डालना होगा, क्योंकि ये सिर्फ आपको पता है इसीलिए। ठीक है, कितना सिनेरियो मैंने ऐड कर दिया, दो सिनेरियो ऐड कर दिया हमारे पास। अब जब कंपेयर होगा तो 3, एक एक्चुअल होगा और सिनेरियो 2 होगा। अब यहां पर देखने के लिए यहां पर हम जाएंगे समरी पे, और रिजल्टेंट किस पे इफेक्ट चाहिए, चेंजेस किस पे चाहिए, तो सब पे चाहिए, तो सबके चेंजेस को देख सकते हैं यहां से। ओके करते हैं, एक नया शीट आ जाएगा आपका, थोड़ा सा स्लो चल रहा है सिस्टम, कोई बात नहीं, जनरेट कर रहा है वो नया शीट आपको, एक सिनेरियो मैनेजर के नाम से एक नया शीट वो जनरेट कर देगा, जिसमें आपका वो कंपेयर करके बताएगा। एक्सेल थोड़ा नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा है भाई, आ गया सिनेरियो समरी आ गया हमारा। यहां पे करंट वैल्यू ये है, तो करंट वैल्यू अगर ये है तो आपका रिजल्ट यहां पड़ा हुआ है नीचे में, और यहां पे हमने जो इंक्रीज बाय 500 किया तो उसके चेंजिंग से हमारा रिजल्ट यहां चेंज हो गया। ओरिजिनल रहता है, ओरिजिनल के साथ साथ तुम्हें एक नया शीट बनाकर दे देता है, जिसमें आपने जो सिनेरियो बनाया था उसको क्या करता है, ये कंपेयर करके जो भी सिनेरियो है, आप प्रॉफिट एंड लॉस पे निकालिए, एक्सपेंसेस का निकालिए, ठीक है, किसी भी तरह के अपने सेल्स का फोरकास्ट कीजिए, मार्केटिंग का है, मीटिंग्स में ये सारी चीजें होती है कि भाई सब लोगों को क्या नाम है, सबका टारगेट 10-10% बढ़ा देंगे, बढ़ाने से आपका आउटपुट अभी हुआ नहीं है, एक फोरकास्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, सिनेरियो।